नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत थोड़ा के गुज्जर समुदाय की 3 भैंसों की मौत का मामला सामने आया है। कुलदीन सुपुत्र अलादीन ने विद्युत विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण उसकी भैंसें मरी हैं। उन्होंने कहा कि उसने 9 भैंसों को दोपहर को पानी पीने के लिए छोड़ा। जैसे ही भैंसें पानी पीने के लिए गई तो 4 भैंसें बिजली की तार के साथ छू गई, जिस कारण 3 भैंसों की मौके पर मौत होगी और 1 घायल अवस्था में है। बाकी 5 को कालुद्दीन ने छोटे भाई जो कि दिव्यांग है ने बड़ी होशियारी से वहां से भगा दिया, जिस कारण उसकी 5 भैंसें बच गई। भाई द्वारा चिल्लाने पर सभी इकट्ठा हो गए, तब उन्होंने देखा कि 3 भैंसें मर चुकी हैं और 1 घायल थी। मैंने कॉल किया बिजली डिपार्टमेंट वालों को, तो इन्होंने बताया कि हमारे घर में लाइट नहीं है और हमारी लाइट ठीक की जाए, हमारी लाइन चेक की जाए, हमारी लाइन में क्या फॉल्ट है क्या नहीं, और इन्होंने कोई देख रेख नहीं की। उसके बाद मैं 12 बजे फिर सेवा सिंह को फोन कर रहा हूँ, लाइनमैन को, और इसकी लड़की का जवाब ये आया है कि वो ड्यूटी पे नहीं है, वो पनीरी उखाड़ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने कॉल किया, वहां पे जाके रिपोर्ट किया, रिपोर्ट लिखवा के आया, रजिस्टर रखा हुआ था, रजिस्टर पे रिपोर्ट लिखवाने के बाद 2:30 बजे हुआ मेरी भैंसें वहां पे घर से खोली मैंने पानी के लिए, मेरा छोटा भाई जा रहा था उनके साथ, और पानी पीने के लिए 9 भैंसें लगभग मैंने खोली थी, जो कि 4 भैंसें उस तार के साथ टच हो गई, तो जैसे टच हुई वो मर गई। और उसने मेरे भाई ने छोटे ने वो अपांग है, बड़ी होशियारगी से उसने 4 बच्चों को पीछे भगा दिया, जिससे वो बच गए, और जो 4 भैंसे मर चुकी हैं उनके एक छोटा सा बच्चा है घर में, अगर आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं, तो वो बच्चा उसकी माँ मर गई है, और 2 भैंसे जो बड़ी मरी हैं उनकी बच्चे पेट में है, सोने वाली थी, तो 3 भैंसे मेरी मौके की मर गई है, 1 भैंस मेरी वो है घायल पड़ी है घर में, और 1 छोटा सा बच्चा पड़ा है घर में। तो कृपया गरीब आदमी पर इन डिपार्टमेंट वालों ने ऐसा किया है, कभी भी हम बोलते हैं लाइन के लिए या लाइट के लिए ये देख रेख नहीं करते हैं, कभी नहीं आते हैं टाइम से, अगर वहां पे मेरी 12 बजे से भी आगे लाइन देखते हैं तो 2:30 बजे तक भैंस मेरी बच जानी थी, नहीं मरनी थी। मेरा गरीब का नुकसान जो है बिजली डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है, और मैं इनके पास वहां रिपोर्ट लिखवा के भी आया हूँ, वो रिपोर्ट भी देख सकते हैं, और ठीक मेरा जो मोबाइल पे इनको कॉल की है उसका बाई डाटा भी निकाल सकती है गवर्नमेंट। थोड़ा पंचायत के उप प्रधान बलराम सिंह ने विद्युत विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग के कारण ये हादसा हुआ है। ऐसा ही हादसा पहले भी 2 बार हो चुका है, लेकिन विद्युत विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंगती। बिजली विभाग का ही लापरवाही की वजह से 3 भैंसे जो वो मारी गई है, क्योंकि सुबह से रात से लाइट बंद थी, किसी ने सुबह जाके कंप्लेन भी की, फोन भी किया उसको ठीक किया जाए, लेकिन विभाग ने कोई सुनाई नहीं की करी इसकी। उसके बाद इसने जैसे भैंसे खत्म हुई इसने मेरे को कॉल करी, जो मौके पर आए और देखे उसको, मैंने देखा वो करंट द्वारा ही बिजली के करंट द्वारा ही मरी हुई थी, तारें वहीं पड़ी हुई थी। उसके बाद विभाग ने इसने तो ऐसा भी बोला कि मेरे आईडी से 2-3 बार कॉल करी उसको, एक बार उसकी बेटी ने उठाया, बेटी ने उठाया जिसने उठाया ये नहीं मेरे को पता, लेकिन इसका इसने तकरीबन जो भी है वो डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से ही हुआ, इसमें सारा दोष बिजली डिपार्टमेंट का ही है। वहीं नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने विद्युत विभाग से तुरंत इस घटना की जानकारी ली और विभाग की क्लास लगाते हुए विभाग को निर्देश दिए कि इस घटना की सारी जानकारी उन्हें तुरंत उपलब्ध करवाई जाए, और जहां कहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी भी समस्या है वहां विभाग तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे ठीक करे। मामले की छानबीन की है मैंने, एक दिन जो है SPCB की है जसूर के, ये नूरपुर के, मैंने इनसे बात की है तो इन्होंने मुझे बताया कि हाँ 3 भैंसे जो है बिजली की तारें गिरने से करंट लगने के कारण जो है 3 भैंसों की मौत हुई है, और मैंने एक सिंह साहब को निर्देश दे दिए हैं कि आप जो है जो भी उनके इलाके में जो तारे हैं हर पोल टू पोल जो वायर्स की जो प्रॉपर उसकी इंस्पेक्शन करवाएं अपने फील्ड स्टाफ के माध्यम से, और ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना या अनहोनी इस प्रकार की ना हो।